हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बनाल मेंटली। तो आज जो मैं संडे के दिन ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपसे एक बात पूछनी है और एक बात कहनी है। तो हमें कहना ये है आपसे कि मैं प्रत्येक संडे को आपकी वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करें इस बात के लिए, क्योंकि कुछ दिन हमें भी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए और भी एटसेट्रा है। तो मैं आपकी वीडियो संडे के दिन अपलोड नहीं करूंगा, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि संडे के दिन मैं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, या कुछ और हटके हो, थोड़ा मोटिवेशन टाइप या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एनीथिंग एल्स, यदि आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उससे नॉलेज ले सकूं और साथ ही साथ वीडियो संडे के दिन अपलोड कर सकूं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मुझे आपसे जो पूछना है वो ये बात है, अब मैं जो संडे के बाद कल से यदि वीडियो अपलोड करूंगा तो किस प्रकार की करें, मैं एक सैंपल दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रकार की वीडियो आगे अपलोड करूं, ताकि आप भी जान सकें कि ये सही है या गलत है। तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो सही रहेंगी, आपको समझ में आएगा इन वीडियोस में या नहीं। तो देखिए, सैंपल में एक छोटा सा दिखाता हूं आपको, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में क्या है, हमने जैसा आपको बताया कॉनकेव है कॉनवेक्स मिरर है। तो एक छोटा सा सैंपल लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए। तो देखो, जैसे कि मैंने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर पता है पीछे की ओर जो होती है वो पेंट होती है, और जो आगे की साइड होती है वो रिफ्लेक्शन सरफेस होती है, क्योंकि अच्छी तरह से पॉलिश कर देते ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके, कोई भी रे आए, रे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाए, कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो वो अलग बात है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जिस सर्किल से मैंने पार्ट लिया है छोटा सा, जिस स्फीयर से मैंने पार्ट लिया है कॉनकेव मिरर का, उसका एक सेंटर होगा उस पूरे सर्किल का सेंटर। तो इस मिरर के लिए इस सेंटर का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होगा, इस मिरर के पार्ट के लिए इस सेंटर का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर का भी एक सेंटर होगा, जो हमने मिरर लिया है कॉनकेव मिरर लिया है उसका भी एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर का नाम होता है पोल। क्या होता है, पोल, POLE, पोल। पोल ये हो गया, और पूरे सर्किल जिसका पार्ट लिया है उसके बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है बिल्कुल, तो उसे हम सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं फोकस, या फिर फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, जिसकी ये वाली लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की और फोकस से पोल के बीच की, ये इक्वल होती है, क्योंकि पूरी रेडियस है, रेडियस का हाफ कह सकते हैं हम। तो ये फोकस कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट होता है। तो आप समझ गए, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ ही साथ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे सारे पॉइंट मीट करते हैं, मिलते हैं। तो ये छोटा सा बस सैंपल था। तो मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा कि आप चाहते हो मैं इस प्रकार की वीडियो आगे अपलोड करूं या ना करूं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि वीडियो समझ में आ रही है हमारी, तो आप हमें लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप के जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, नर्सरी क्लासेस में राइम सीख रहे हैं अभी, और साथ ही साथ अल्फाबेट नंबर सीख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप उन्हें बताएं कि आज से या हो सकता है कल से छोटी छोटी वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको अल्फाबेट्स के एनिमेशन के साथ, नंबर्स को एनिमेशन के साथ, ओलम्स को, और धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती जाएगी यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो वो भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो अपने भाइयों को बताएं, साथ में आप भी अपना पढ़ते रहें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तो बस धन्यवाद।